गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बच्चों का वेटिकन यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक हुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जल्दी से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? जय हिंद जय भारत। भारत ने आज एक बहुत बड़े सूरमा को खो दिया भाई, ठीक है? जैसा आप सब जानते हो, प्रथम CDS देश के आनबान शान विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। देश के लिए एक ऐसी क्षति जिसको किसी भी तरीके से भाई टी रिप्रेट नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी तरीके से इस तरीके के बड़े जो अंदेश आज भारत के साथ जो दुर्घटना घटी तमिलनाडु के अंदर, 14 में से 13 जो हमारे जहाज के अंदर व्यक्ति थे उनकी डेथ हो चुकी है, और उनमें से एक हमारे फर्स्ट CDS विपिन रावत जी थे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख का पल है भाई भारत के लिए। रेस्ट इन पीस। हाँ जी, रेस्ट इन पीस। भगवान देश को, हालांकि ऐसे महान योद्धाओं के खो जाने से जो देश को क्षति होती है उसकी कैसी भी पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग। हाँ जी, सबसे दुख वाली बात है, नो डाउट। कैन आई कम इन? यस। चलिए शुरू करते हैं भाई सेशन को। फ्राइडे के दिन जो आपका सेशन होता है द वेटिकन शो, जो आपको प्राइज जीतने के लिए है, इस पर आप जरूर आ सकते हो विन कैश एंड मोर प्राइजेस क्वेश्चंस का आंसर देके। लाइव एवरी फ्राइडे को होगा। SSC CGL CHSL CPO GD और HSSC का जो एग्जाम है ग्राम सचिव पटवारी जो एक्सटेंड हुआ है। एयरफोर्स का बैच नया शुरू हुआ भाई, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आपको दोनों तरीके से अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आज ही वेटिकन ऐप को क्या कर लो, डाउनलोड। वेटिकन ऐप को डाउनलोड करना ना भूले अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो, ठीक है? इसके बाद इवनिंग में जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं भाई, मॉर्निंग में नहीं आ पाते, वो इवनिंग ऑफलाइन बैच शुरू कर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली ऑफलाइन क्लास, फ्री ऐप का एक्सेस मिलेगा अगर आप किसी दिन नहीं भी आ पाते तो। सैटरडे को मॉक टेस्ट हुआ करेगा, बहुत ही शानदार लाइफ चेंजिंग चीज़ होगी आपके लिए। सैटरडे स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेमो भी अवेलेबल है, ठीक है? और फिर से मैं एक बार कहूँगा आपको, अगर आप नॉर्मल भी बेनिफिट उठाना चाहते हो तो इस ऐप को पक्का डाउनलोड कर ले। जो HTET का बैच है 2021 वो आपका प्रोवाइड किया जा रहा है 799 रुपये मात्र, कॉमन बैच HTET के लिए, ठीक है? हाँ, मुस्कुराना पड़ता है भाई, बिल्कुल। दर्द कितना भी हो, आज इस दर्द की, आज इस क्षति का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते भारत देश को जो ये। GK भाई, दीपक हुड्डा सर भाई, ग्राम सचिव पटवारी दुर्गा शक्ति के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे के बजाय यहाँ पे लिखेगा 9 बजे क्लास होती है। कितने बजे होती है? 9 बजे। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है? संदीप रोकी टोली जमाना चोर है आशीष, नमस्कार सबको, ठीक है? और यस, चलिए शुरू करते हैं बेटा। कोई बात नहीं, हमें अपनी तैयारी पे पकड़ बनाए रखनी है और उन्हीं की तरह एक बहुत ही हमारे देश के काम आस के एक बहुत ही बड़ा सूरमा बनना है। कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, आएगा भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। आपका क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कौन सा देश इनमें से भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? या तो उपरोक्त सभी आना था या फिर आपका कोई नहीं, मतलब नहीं है आएगा। तो इसके अंदर आपको बता दूं, जो इक्वेटर लाइन 0 डिग्री से पास होती है उस पर टोटल देशों की संख्या कितनी है? 13 देश टोटल हैं। कितने हैं भाई? 13 देश आपके टोटल, 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। कितने हैं भाई? हाँ, दुर्गा शक्ति के एडमिट कार्ड आगे आगे, तो बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे को हालांकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, या मैं इसके बारे में अभी तक जागरूक नहीं था। और अगर नहीं पे बात आई है तो इक्वाडोर के अंदर है, इक्वाडोर कोलंबिया के अंदर है और ब्राजील के अंदर भी है। इक्वाडोर में भी है, कोलंबिया में भी है, ब्राजील में भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? वेनेजुएला के अंदर नहीं है। वेनेजुएला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों से टोटल गुजरती है, और दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कौन से देश से नहीं गुजरती है? ब्राजील से नहीं, वेनेजुएला से नहीं गुजरती। और वेनेजुएला की राजधानी का क्या नाम है? वेनेजुएला की राजधानी का नाम है कराकस। क्या नाम है? कराकस वेनेजुएला की राजधानी का नाम है। अब वेनेजुएला की बात कर रहे हैं तो वेनेजुएला को क्या कहा जाता है? सुंदरियों का देश है। क्या कहा जाता है भाई? सुंदरियों का देश कहा जाता है। मैक्सिमम मिस वर्ल्ड जीते गए हैं यहाँ पर। विश्व का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है भाई? विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है एंजल। क्या नाम है? एंजल। और एंजल जलप्रपात आपका कौन सी नदी पे है? याद रखिएगा, कैरो नदी पे। कौन सी नदी पे है? कैरो नदी पर एंजल जलप्रपात है। और कैरो, याद रखिएगा, कैरो किसकी सहायक नदी है? कैरो सहायक नदी है किसकी? कैरो ओरिनिका की। किसकी सहायक नदी है? ओरिनिका की सहायक नदी है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है। वेनेजुएला से ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला जो देश है यहां पर
लानोस घास के मैदान, कौन से घास के मैदान, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोस, आपने राइट आंसर याद रखना है, लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद आपसे बात करेंगे, लानोस घास के मैदान के बाद इंपोर्टेंट क्या है वेनेजुएला में, विश्व में सबसे ज्यादा संरक्षित करके रखा है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम संरक्षित करने वाला देश कौन सा है, तो पेट्रोलियम संरक्षण में सबसे नंबर वन देश कौन सा है भाई, पेट्रोलियम संरक्षण में नंबर वन देश है आपका वेनेजुएला। पेट्रोलियम संरक्षण में नंबर एक देश कौन सा है, ब्राजील। ब्राजील किसके लिए, ब्राजील का आप ध्यान रखिएगा, कॉफी केंद्र है, कॉफी के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। रियो में गेम हुए थे 2016 के अंदर, ओलंपिक खेल कहां पे हुए थे, रियो के अंदर हुए थे। इसके अलावा ब्राजील से कौन सी नदी बहती है, अमेजोन नदी बहती है, कौन सी बहती है, अमेजोन। इक्वाडोर कौन सी, किसके लिए जाना जाता है, कोटा पेक्सी, कौन सा भाई, कोटा पेक्सी, ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, कोटा पेक्सी इक्वाडोर के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल, ये 979 मीटर, कितना ऊंचा है, 979 मीटर इसकी हाइट है, 979 मीटर। हाँ, यहाँ की इकोनॉमी का हाल अस्त व्यस्त हो गया था, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था, ये आपकी कब की घटना है, 2019 की घटना है, अमेरिका के इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ की इकोनॉमी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था भाई, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पे स्थित है, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पे स्थित है, पर कल वाली पीडीएफ नहीं मिली, हाँ भाई कल वाली पीडीएफ के लिए कान पकड़ के सॉरी, कल वाली पीडीएफ ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेटर साहब थोड़े से चेंज हुए थे तो वो क्रैश होगी, कल वाली पीडीएफ आपको मिलेगी भी नहीं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से सॉरी मांगता हूँ भाई, आज वाली पक्का मिल जाएगी। भाई साहब को नए नए थे, उनको नहीं पता था, उनको समझा दिया गया है, आज वो आपको पीडीएफ ऐसी प्रोवाइड करा देंगे कि दो दिन का एहसास होगा आपको, ठीक है, कल वाली पीडीएफ झूठे दिलासे नहीं देंगे, कल वाली नहीं मिलेगी, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना सुखविंदर जी कल वाली के, हाँ वो हाँ, चलिए 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 भाई, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विनीपेग, कहां विनीपेग विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है, विनीपेग। साओ पालो विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है इसको, विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसको जाना जाता है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से साओ पालो को जाना जाता है। सेंट लुइस को क्या कहते हैं, सेंट लुइस को विश्व की मक्का मंडी किस नाम से जाना जाता है भाई, विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है, विश्व की मक्का मंडी किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा सेंट लुइस को कहा जाता है। बात गेहूं की हो रही है तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखिए भाई, ये आपका चाइना है, चाइना के बाद दूसरे प्लेस पे बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे इंडिया है, कौन है, इंडिया है। भारत में बात करेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका उत्तर प्रदेश करता है। और अगर हम बात करेंगे यूक्रेन की, यूक्रेन को क्या कहा जाता है, यूक्रेन को रोटी की डलिया, क्या कहा जाता है, रोटी की डलिया कहा जाता है, ठीक है। भारत में यूपी ज्यादा प्रोडक्शन करता है, पर हेक्टेयर की बात करेंगे ना, पर हेक्टेयर आपका हरियाणा, पर हेक्टेयर कौन करता है, पंजाब, कौन करता है, पंजाब, पर हेक्टेयर पंजाब प्रोडक्शन करता है, ठीक है। गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान, गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान किसको कहा जाता है, गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान किसको बोलते हैं, ये आपका पंपास घास के मैदान है, कौन से घास के मैदानों को, पंपास घास के मैदान, अर्जेंटीना को गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान कहा जाता है, गेहूं का अर्धचंद्राकार मैदान कहा जाता है। यूक्रेन को रोटी की डलिया बोलते हैं। साओ पालो आपकी कहां पे है, ब्राजील के अंदर है, कहां पे है, ब्राजील कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। सेंट लुइस, सेंट लुइस आपको लिखा है विश्व की मक्का मंडी, ये आपकी कहां पे है, यूएसए के अंदर है। और यहां पे कौन से घास के मैदानों में बहुत ज्यादा मक्के का प्रोडक्शन होता है, प्रेरी घास के मैदानों में बहुत ज्यादा मक्के का प्रोडक्शन किया जाता है, भारत में पंजाब को, जी हां भारत में पंजाब को। विनीपेग झील भी है भाई कनाडा में, विनीपेग नाम से झील भी है कनाडा में, कहां पे है, कनाडा, हाँ पंपास अर्जेंटीना, लिख दिया भाई, ब्यूनस आयर्स कैपिटल है। अमरावती, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, अमरावती नाम से एक जलाशय है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो देखिएगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य है, राइट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, अभी इसका नाम भी बदल दिया गया, अन्नामलाई, अन्नामलाई नेशनल पार्क रख दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क रख दिया गया। और ये आपका कहां पे है, अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है ये आपका
तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर ये आपका एक नेशनल पार्क है। इसके बाद बात करेंगे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है ये भी आपका कहां पे है? इसका संबंध भी आपका तमिलनाडु से है। फिर आपसे पूछ रहा है पंपपुदम सोला राष्ट्रीय उद्यान, तो पंपपुदम सोला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है? ये आपका केरल में है। कहां पे है? केरल में है। अगर केरल के और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो केरल के अंदर पेरियार नेशनल पार्क भी है जो हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है। अब यहां पे बात हो रही है अमरावती नाम का जलाशय। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य होता था, लेकिन नाम किस पे रख दिया? अन्नामलाई। और आप जानते होगे ना अन्नमुदी, आपने सुना होगा अन्नमुदी की ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? पिक पॉइंट ऑफ अन्नमुदी। अन्नमुदी की ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? अन्नामलाई है। क्या है? अन्नामलाई है। फिर हम यहां पे बात करते हैं अभी करंट में ही, ये भी ध्यान रखना, 51वें नंबर का 51वां टाइगर रिजर्व कहां पे खुला है? 51वां टाइगर रिजर्व आपका कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। श्री वित्थुपल्लू वाला 51वां टाइगर रिजर्व कहां पे खोला गया है? 51वां तमिलनाडु के अंदर है। 52वां कहां पे खोला गया है? 52वां आपने ध्यान रखना है 52वां राजस्थान के अंदर। और नाम बता दूं, रामगढ़ बूंदी, रामगढ़ विषधारी बूंदी, रामगढ़ बूंदी विषधारी आपका टाइगर रिजर्व है। 53वां कहां पे खोला गया है? 53वां खोला गया है घासीदास। क्या नाम है? गुरु घासीदास। क्या नाम है? घासीदास, गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपका कहां पे है? ये आपका छत्तीसगढ़ में खोला गया। कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। 53वें नंबर का, कौन से नंबर का है? 53rd नंबर का। रोटी की डलिया का मतलब थोड़ा एरिया प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। चील सिम लेकर उड़ गई, आपकी दया से मेरा कमांडो का रिटर्न हो गया जी, टारगेट विद आशीष। अरे मेरे भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप। भाई बधाई हो, टारगेट विद आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मेरे भाई आपकी जिंदगी इसी तरीके से सुखमय बनी रहे, टारगेट विद आशीष, वेल डन, आपकी मेहनत रंग लाई। और मतलब मेरे चेहरे पे जो खुशी है आज के दिन, वैसे खुश हूं नहीं मैं ज्यादा सा, आप रीजन जानते हो। इसके बाद आज के दिन की जो पहली खुशी दी है वो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई आशीष ने मेरे को दी है। मतलब मजा आ गया सुन के, एकदम से दिल गदगद हो गया। 53वां घासीदास आपका कहां पे खुला है? छत्तीसगढ़ के अंदर खुला है। एक बच्चा पूछ रहा है उड़ीसा के अंदर कौन सा है? चिल सिम लेकर उड़ गई, चिल्का सिमलीपाल भितरकनिका, चिल्का सिमलीपाल और भितरकनिका आपका कहां पे है? ये आपका याद रखना है उड़ीसा के अंदर है। 1973 में आया था भारत में, क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973। अच्छा अगर खाली आपसे ये पूछ ले तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, तो याद रखना तमिल बन गए मुदु वेदांत, मुदुमलाई और वेदांत, मुदुमलाई और वेदांत, ये कहां के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं? ये तमिलनाडु के। मुदुमलाई तो यहां पे दे रखा है, वेदांत और याद रख लेना, तमिल बन गए मुदु वेदांत। अरे आप अभी हुड्डा साहब ये क्लास जल्दी खत्म की और अभी निकल जाएंगे, फुर से ही निकल जाएंगे। अभी बस ये क्लास आपका, मतलब कल की क्लास नहीं ले पाऊंगा, बिजी शेड्यूल ज्यादा था भाई, दिन का क्लासेस का ऑफलाइन का शेड्यूल ज्यादा बिजी था, इसलिए सोचा आज का आपका नुकसान ना हो जाए। 12 तारीख को पेपर भी है, उसके बाद 8-10 तारीख को भी पेपर है, तो अब निकल जाएंगे। हाँ 2695 मीटर बिल्कुल रही है, जेएच में है या छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास जो 53वां बना है वो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नहीं, ये शिप्रा होगा, ये हमारे महोदय भी ना कुछ भी गलतियां कर देते हैं, शिप्रा नदी के तट पे बसा है। शिप्रा नदी के तट पे कौन सा बसा है? उज्जैन। कौन सा बसा है? उज्जैन। इंदौर शहर जो सबसे स्वच्छ शहर है, खान नदी या श्रावस्ती नदी के, खान या श्रावस्ती नदी के तट पे बसा है। ग्वालियर किसके तट पे बसा है? चंबल के तट पे। किसके तट पे? चंबल के तट पे। भोपाल जो राजधानी है कहां की? एमपी की। यहां पे कौन सी झील है? भोजताल झील है। कौन सी झील है? भोजताल झील है। तो ये आपके कुछ शहर लिखवाए मैंने क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी शहर लिखवा दे। उज्जैन। कुछ महत्वपूर्ण शहर याद रखेगा, मूसी नदी के किनारे कौन सा बसा है? हैदराबाद। कौन सा बसा है भाई? हैदराबाद बसा है। इसके अलावा आपसे बात करेंगे जो सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे कौन सा बसा है? अयोध्या, जिसका नाम पहले क्या होता था? फैजाबाद होता था, अयोध्या आपका बसा हुआ है। इसके अलावा सोन और गंगा नदी के संगम पे क्या बसा है? पटना। कौन सा शहर बसा है? पटना बसा है। गंडक नदी के तट पे कौन सा शहर है? सोनपुर शहर है। कौन सा शहर है? सोनपुर शहर है। वेंगाई नदी के तट पे, याद रखेगा वेंगाई नदी के तट पे आपका कौन सा है भाई? ये आपका मदुरई है। कौन सा है?
मदुरई आपका वेंगई नदी के तट पे है, आपने ध्यान रखना है ताप्ती नदी के तट पे कौन सा है, ताप्ती नदी के तट पे आपका सूरत शहर है, कौन सा शहर है सूरत, नर्मदा नदी के तट पे यहाँ पे मध्य प्रदेश के शहर दिए हुए, तो मध्य प्रदेश में आपने ध्यान रखना है नर्मदा नदी के तट पे कौन सा है, नेपा नगर है, नेपा नगर के साथ और कौन सा है जबलपुर है, कौन सा है जबलपुर है। फिर आपसे ध्यान रखेगा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा है भैया आपका, आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, कौन सा शहर है हम्पी है, यमुना नदी के तट पे दिल्ली मथुरा आगरा, कौन सा है दिल्ली मथुरा आगरा, दिल्ली मथुरा और आगरा ये सारे शहर किस नदी के ऊपर हैं, यमुना नदी के ऊपर है, किस नदी के ऊपर है भाई यमुना। अच्छा यहाँ पे बात करा शिप्रा की, शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है शिप्रा, चंबल नदी की सहायक नदी है चंबल, और चंबल पे शहर कौन सा है, चंबल पे शहर है आपको बार बार बता रखा है कोटा, कौन सा शहर है कोटा शहर है, कोटा राजस्थान में है, और चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल आपकी सहायक नदी है यमुना की, किसकी सहायक नदी है यमुना, और चंबल का आपको पता होगा ना चंबल एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर चंबल नदी बनाती है, चंबल पे सिर्फ बांध याद रख लेना जी जे आर, अपना प्रोजेक्ट जो है जी जे आर, गांधी गांधी सागर जवाहर और राणा, गांधी जवाहर और राणा, और तीनों के पीछे एक ही वर्ड लिख लेना सागर, गांधी सागर जवाहर सागर राणा सागर तीनों ही किसके बांध है चंबल नदी के बांध है, किसके बांध है चंबल नदी के बांध है कोटा राजस्थान, ठीक है ये आपने ध्यान रखना है। ओहो गुड इवनिंग, इकोनॉमिक्स का सेशन कब होगा, इकोनॉमिक्स का सेशन जी देखते हैं भाई, इस पे अभी समय नहीं बता सकते क्योंकि सारे ही सेशन आपके रहते हैं, मैराथन सेशन तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबका रहता है, ठीक है सबका ही रहता है। हाँ सारे सागर, अरे वाह सागर खुश हो गया, सारे सागर आए अपना सागर खुश हो गया, यही तो विविधताएं हैं हाँ, सबके पीछे नाम के पीछे का कोई ना कोई वर्ड आता रहे तो तुम खिले रहो भाई। अमील पहल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीयू का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो एससीयू का सदस्य नहीं है, एससीयू मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, वो देश बता दो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य नहीं है, वो पूछ रहा है। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में स्थापना हुई थी, कब हुई थी 2001 में स्थापना, और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे, चाइना था, चाइना के साथ साथ रूस था, रूस के साथ साथ कजाकिस्तान था, कजाकिस्तान के साथ साथ और कौन था तजाकिस्तान, ये देश भी आपका इन्हीं के साथ मिला हुआ था भाई, और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान ये देश आपके मिलकर इसकी क्या करते हैं स्थापना करते हैं, ठीक है। नौवां सदस्य, नौवां सदस्य कौन बना है इसका, नाइन्थ मेंबर बना है अभी करंट में याद रखना, नौवां सदस्य ईरान बना है, कौन बना है ईरान, और दुशांबे तजाकिस्तान के दुशांबे में 2021 की समिट, 2021 की जो समिट थी, 2021 की समिट में दुशांबे के अंदर, दुशांबे के अंदर हुई थी जो, उसमें ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है। 2017 में कौन इसके पार्ट बने थे भाई, भारत और पाकिस्तान इसका पार्ट कब बन गए थे, 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान इसका पार्ट बन गए थे। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, एससीओ का हेडक्वार्टर आपका बीजिंग के अंदर है, किसके अंदर है बीजिंग शहर के अंदर, एससीयू का संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए ब्रिटेन, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है लंदन, राजधानी का नाम लंदन, लंदन किस नदी के किनारे है टेम्स, किस नदी के किनारे है टेम्स। औद्योगिक क्रांति रक्तहीन क्रांति किस देश की पहचान है 1688 ब्रिटेन, 1688 ब्रिटेन की पहचान है। गुड इवनिंग जय हिंद। बीजिंग हाँ बीजिंग चाइना की कैपिटल का नाम है भाई बीजिंग, हाँ इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, हाँ कंप्यूटर के और इकोनॉमी के शॉर्ट्स वर्ड्स की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे भाई, पक्का बनाएंगे प्रॉमिस रहा आपसे, लिख लेना भाई ये इकोनॉमिक्स की और इनकी शॉर्ट्स वर्ड्स की वीडियो पक्का बनाएंगे भाई, डाल लेंगे आपकी एक वीडियो बना के। अरे 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 चलिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA 29 जुलाई
29 जुलाई 1957 को एस्टेब्लिश हुई, 29 जुलाई को पीसी महालबोनिस का बर्थडे है भाई, और उनके बर्थडे पे क्या मनाते हैं, स्टैटिक डे मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो IAEA का मुख्यालय आपका वियना में, कहाँ पे है, वियना। और इसके साथ साथ ये देखो भाई, ये ध्यान दो, इसके साथ साथ और किसका भी है, ओपेक का भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का भी वियना में है। 1960 वियना किसकी कैपिटल है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। वियना को क्या कहा जाता है, वियना को ग्लास सिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्लास सिटी कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे है, डेन्यूब, कौन सी नदी के किनारे है, डेन्यूब, और डेन्यूब कितने देशों से बहती है, 8 देशों से, कितने देशों से प्रवाहित होती है डेन्यूब, 8 देशों से बहती है डेन्यूब नदी, कितने देशों से बहती है भाई, 8 देशों से बहती है। जिनेवा के अंदर, जिनेवा जो आपका स्विट्जरलैंड है, जिनेवा जो आपका कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अंदर कौन कौन सा हेडक्वार्टर है, ध्यान दीजिएगा, जिनेवा में WTO, WHO, रेड क्रॉस, WTO, WHO, रेड क्रॉस, WMO, ये सारे हेडक्वार्टर आपके कहां पे हैं, ये सारे हेडक्वार्टर आपके जिनेवा के अंदर कहां पे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस आपका जो आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये हेडक्वार्टर कहां पे हैं भाई, जिनेवा के अंदर है। वाशिंगटन DC के अंदर कौन से हैं, IMF। अच्छा, इसके साथ साथ ILO का भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है बहुत बार, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का और वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनका दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन DC, ठीक है। लंदन में किसका है, लंदन में एक तो एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, और दूसरा किसका है, कॉमनवेल्थ का, किसका है, कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पे है, लंदन, अभी अभी बताया था ना, लंदन कौन सी नदी के तट पे है, टेम्स। अच्छा, ये और बता दो, जो आपका GATT गेट का है वो कहां पे है, गेट का भी आपका जिनेवा में है, गेट का भी कहां पे है आपका, जिनेवा के अंदर है, गेट का भी आपका जिनेवा के अंदर है। IMF और वर्ल्ड बैंक, हाँ IMF और वर्ल्ड बैंक, ट्विन सिस्टर IMF वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है, ठीक है। 1944 ब्रिटिश वुड समझौते के बाद इनको बनाया गया था, ब्रिटेन वुड समझौते के बाद, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, मिनी क्यूबा से राम राम, नमस्कार जी, राम राम सभी को। वर्नेस सम्मेलन, बिटन, बिटन नहीं बेटा, ये थोड़ी सी एरर इन्होंने ज्यादा ठोक दिए हैं। बैटन कप होगा, क्या होगा, बैटन कप का संबंध कहां से है, बैटन कप का संबंध कहां से, जल्दी से बता दो। बर्मिंगम में है कॉमनवेल्थ, अच्छा बर्मिंगम में है, चेक करो भाई, शायद आप गलत हो। ओके, एजुकेशन हब से राम राम, नमस्कार जी, एजुकेशन हब से राम राम, एजुकेशन सिटी से राम राम है। बैटन कप हॉकी से संबंधित है, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है भाई, हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां, बैटन कप, आगा खां कप, आगा खां कप, बेगम रसूल खां कप, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, ये आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, रंगा स्वामी ट्रॉफी, इन सब ट्रॉफियों का संबंध किससे है, इन सब ट्रॉफियों का संबंध आपका ध्यान रखना है हॉकी से है। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, ध्यानचंद को, हॉकी के जादूगर कौन है भाई, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इन्हीं के बर्थडे पे खेल दिवस, क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी क्या हुआ, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ और ये कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में, और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, ये भी ध्यान रखना, अर्जेंटीना विजेता है, कौन विजेता है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को, अर्जेंटीना ने किसको डिफीट किया है, जर्मनी को डिफीट किया, भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है भाई, भारत चौथे स्थान पर रहा है। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 खिलाड़ियों की संख्या है। क्रिकेट के अंदर याद रखेगा, क्रिकेट के अंदर कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण, अच्छा हॉकी से कभी भी पूछ लेना, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, अजलान शाह
हॉकी, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का संबंध किससे है? तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया, किस देश में आयोजित होती है? मलेशिया में आयोजित होती है, ये भी हॉकी से संबंधित है भाई, ठीक है। क्रिकेट से याद रखना भाई, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सी के नायडू, सी के नायडू ट्रॉफी, इन सभी ट्रॉफियों का संबंध, अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी, इन सब का संबंध किससे है? विजय हजारे ट्रॉफी, इन सब का संबंध क्रिकेट से है। फुटबॉल से याद रखना रोवर्स कप, क्या याद रखोगे? रोवर्स कप, ठीक है, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, कौन सा कप भाई? सुब्रतो ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, कौन सा? संतोष ट्रॉफी, भी याद रखोगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे टूर्नामेंट कहाँ से संबंधित हैं? फुटबॉल। अभी फुटबॉल का कौन सा कप हुआ था? कोपा कप। कौन सा कप हुआ था? कोपा कप। और कोपा कप का विनर कौन था? अर्जेंटीना। इसका विनर भी कौन था भाई? अर्जेंटीना। कोपा कप का भी विनर था, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है। हॉकी के अंदर भारत ने 40-41 सालों के बाद, 1980 के बाद वापसी की और टूर्नामेंट जीता भाई, वापसी करते हुए टूर्नामेंट जीता, गया रोवर्स कप। हाँ, भारत की टीम ने सबर किया हुआ है, ठीक बात है। इटी, कोपा अर्जेंटीना, हाँ, यूरोप के अंदर यूरो कप को ब्रिटेन, मोहित बोहरिया को बात पूछनी है। अच्छा जी, डूरंड कप का संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, डूरंड आपकी जो लाइन है वो आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। स्पॉन्सर्ड बाय नवीन पटनायक, हाँ, नवीन पटनायक जी ने स्पॉन्सर किया था उड़ीसा में। हाँ, अजीत पाल की कप्तानी, हाँ, अजीत पाल की कप्तानी 1975 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, सर्वाधिक हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हैं, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र कर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? केंद्र कर, सेंट्रल टैक्स, गवर्नमेंट, नहीं लगाती भाई। तो आयकर लगाया जाता है सर, सीमा शुल्क लगाया जाता है, प्रोडक्ट उत्पाद कर, पेशेवर कर, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2,500। इम्प्लॉयर, क्या लिखा? इम्प्लॉयर के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, इम्प्लॉयर के द्वारा, जो आपकी अथॉरिटी होती है वो लेती है। कौन से आर्टिकल में? 276 का आर्टिकल 2, 276 आर्टिकल का 2 पार्ट इसके अंदर है भाई। स्टेट कौन लेता है? स्टेट इम्पोज करेगा, तो ये आपका सेंट्रल टैक्स नहीं है। अभी कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। कौन सा लगता है? जीएसटी। जीएसटी कौन से संशोधन में? 101वां संशोधन के तहत, 101वें संशोधन के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है, 2017। और पहला स्टेट जहां पे लगा वो कौन सा था? असम आपका पहला स्टेट था। तो पेशेवर कोर, जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होता, इम्प्लॉय के द्वारा उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, 276B आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जब से जीडीपी का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत के अंदर भारत के क्षेत्रों में होने वाली टोटल इनकम है उसका ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ से होता है? कौन से, कहाँ से इसको मिलता है भाई? जीएसटी 101, हाँ, जीएसटी 101 है, हाँ। अरे थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे आज, पहली बार 1956 में फ्रांस में लगा था, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, आज का सेशन 10 मिनट पहले समाप्त हो जाए, इसलिए आप इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। जीडीपी, ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग सेवा से, कहां से? सेवा से प्राप्त होता है। कृषि, जो ये एग्रीकल्चर वगैरह के प्रोडक्ट हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। रक्षा, लोक प्रशासन से नहीं होता भाई, सेवा से, जो आपका तीसरा सेक्टर है। तृतीयक सेक्टर का पार्ट है, सेवा, यहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, तृतीयक सेक्टर का पार्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। जीडीपी, ग्रो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की एनएनपी होती है, एनएनपी के ऊपर क्या होता है? एक तो राष्ट्रीय आय का बेस्ट मेथड है ये, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम निकलने का बेस्ट मेथड कौन सा है? बेस्ट मेथड है आपका ये, आपका एनएनपी। अगर आप एनएनपी के बटे में पॉपुलेशन कर दोगे, एनएनपी बटे में पॉपुलेशन, तो आपकी क्या निकलाएगी? आपकी क्या निकलाएगी? पर कैपिटल इनका क्या निकलाएगी? पर कैपिटल
कैपिटल इनकम निकलाएगी, प्रति व्यक्ति आय आपकी यहाँ पे सामने आ जाएगी। अब एनएनपी निकलती कैसे है, जीएनपी जो होती है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने पे, डेप्रिसिएशन माइनस करने पे क्या निकलाती है एनएनपी, क्या निकलाती है एनएनपी, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन ह्रास को माइनस कर दो तो क्या जाएगा आपका एनएनपी, क्या जाएगा एनएनपी पर कैपिटल इनकम एनएनपी बटे में। सेंटर का क्या नाम है, किसके सेंटर का नाम पूछ रहे हो भाई, बताना भाई किस सेंटर का पता पूछ रहे हैं, पता नहीं कहां कौन से मुद्दों पे छिड़ जाते हैं। क्रिप्टो कायर मथु वरियान किस प्रकार की प्रजाति है, तो एक प्रकार के वृक्ष की प्रजाति है, पेड़ की प्रजाति है भाई, क्रिप्टो कायर मथु वरियान एक प्रकार के वृक्ष की प्रजाति है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीवी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व सर लिखने में क्वासी फेडरल सही है या फेडरल, सर लिखने में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है हमने, लेकिन फेडरल सिस्टम का कौन सा टाइप, क्वासी फेडरल, दुर्गा शक्ति का सेंटर 300 किलोमीटर आया है, अरे वाह गजब, इसका मतलब पक्का लगेंगे हैं, नौकरी की कोई मनाही नहीं है, अरे अंतिम बार, अंतिम पुकार है, अंतिम बार दूर जाना है, हरिद्वार जितनी दूर बुला लिया है वापस नहीं भेजेंगे खाली हाथ, याद रखना। राय अलग अलग है भाई, दुर्गा शक्ति प्रोटेस्ट का कोई रीजन सा बनता नहीं भाई, इतनी पोस्टों के अंदर प्रोटेस्ट का कोई रीजन बनता नहीं, अभी तो जिनका हो रखा है हो रखा है, आगे के लिए सुधर जाओ यही है, गवर्नमेंट आगे के लिए टाइट हो जाए, ये रोज के बात है। चलो भाई, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस को किस दिन मनाते हैं भाई, 21 नवंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 21 नवंबर, सहनशीलता के लिए दिवस मनाया जाता है, सहनशीलता के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा होता है 16 नवंबर को, कौन सा होता है 16, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कौन सा है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस याद रखना, ये आपका कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को। डेज की बात कर रहे हो ना, तो डेज को आपको 4 तारीख से याद करना है, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस कौन सा है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 9 जनवरी का दिन याद रखेगा, 9 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी का दिन आपने ध्यान रखना है भाई प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में किसको मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर आपका आ जाएगा 10 जनवरी आ जाएगा, 10 जनवरी, और 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, कौन सा दिवस है विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 10 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी का दिन होगा भाई, 12 जनवरी का दिन युवा दिवस के रूप में, यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 14 जनवरी तो मकर संक्रांति होता है भाई, सबसे बड़ा दिन है। 15 जनवरी आपका सेना दिवस, सेना दिवस, सेना के पूर्व चीफ CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे बीच नहीं रहे जी, विपिन रावत जी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद याद रखना 13 तारीख को पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस है 13 तारीख को, 13 जनवरी को कौन सा दिवस होता है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस है पराक्रम दिवस। 24 तारीख को 24 जैन को क्या मनाया जाता है विश्व बालिका दिवस, कौन सा दिवस है विश्व बालिका दिवस हम मनाते हैं, विश्व बालिका दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 25 तारीख को क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, क्या मनाते हैं संविधान दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है भाई, संविधान दिवस को मनाया जाता है। और इसके अलावा कौन सा डे होता है वोटर्स डे, वोटर्स डे मतदान दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो आपका रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, गणतंतर दिवस कब है 26 जनवरी को, कब है भाई 26 जनवरी को, तो इस तरीके से मनाया जाता है। हाँ आज इंडियन आर्मी का ब्लैक डे है बिल्कुल, चंद्रा प्रसाद गेस्ट सुरीनाम, हाँ चंद्रिका प्रसाद गेस्ट थे जी सुरीनाम से, ये बहुत अच्छे अच्छे डाटे आप कलेक्ट करके ला रहे। कॉन्स्टिट्यूशन डे 12 तारीख को एक ही शिफ्ट में है क्या, ये और बताना एक बार कमेंट करके, 12 तारीख को एक ही भारत गौरव, ये आपकी किससे रिलेटेड है पहली बात ध्यान रखना, रेलवे, ठीक है रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पे और ज्यादा जोर हो रहा है और कुछ नहीं है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, रेलवे की शुरुआत 1905, रेलवे का गठन कब हुआ 1905, ये ध्यान रखिएगा, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1950, और ये किससे संबंधित है पर्यटन,
भारत के अंदर जो गौरवशाली प्लेस है उनसे संबंधित, उनके अंदर घूमने फिरने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, रेल को किराए पे, रेलवे को किराए पे देने की बात चल रही है। हाँ फ्राइडे के डे तो ले आओ सर सारे, हाँ एक 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 दिन अब एक का करा दिया करें, जैसे आज ये करा दिया तो आगे फ्राइडे के करा देंगे। ठीक है, पर्यटन, गौरव विकास का किससे संबंध है, पर्यटन से संबंधित है। भारतीय रेलवे को आम रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, हाँ आम बजट से अलग कर दिया 1924-25 एक वर्थ कमेटी की सिफारिशों पर, 2017 विवेक डिब्रॉय कमीशन की सिफारिशों पर दोनों को एक साथ वापस लाया गया। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली मुंबई से थाने, कहाँ से कहाँ तक, बंबई से थाने तक चली। हाँ स्टेशन बेच दिए, सब कुछ बेच दिया भाई, और इस देश में फिर भी सब कुछ जिंदा है, बेच भी दिया सब कुछ जिंदा भी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में कल्पना की गई है। डीपीएसपी आपके 36 से 51 आर्टिकल में है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 में इनमें कौन सा आर्टिकल दिखाई दे रहा है, 39 में क्या बोला गया है, वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य, भारत में राज्य जो होगा उसकी कल्याणकारी राज्य होने की कल्पना की गई है, कामना की गई है, कौन से में है, 39। 99 आर्टिकल आपका किससे संबंधित है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। 59 आपका प्रेसिडेंट से, 69 आपका वाइस प्रेसिडेंट से, इस तरीके से आपका आपने पढ़ना होता है सीधे सीधे। 39 आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 39 आर्टिकल आपका हो जाएगा, और 39 में भी कौन सा, समाजवादी, कौन सा, सोशलिस्ट थॉट होगी, समाजवादी विचारधारा के तहत होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ। लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना प्रमुख या सेना प्रमुख, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। एक बात और दिमाग में बिठा लीजिएगा, अनुसूची 2 पढ़ते हो, 3 पढ़ते हो, 2 में क्या होता है, संवैधानिक पदों के पेंशन भत्ते सैलरी, ठीक है, और 3 में क्या होता है, संवैधानिक पदों की शपथ, संवैधानिक पदों की शपथ, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ से रिलेटेड है, ठीक है, 69, अरे 63 से 71 वाइस प्रेसिडेंट का, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, 52 से 62 प्रेसिडेंट का है, 63 आया बीच में वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, इतना ही बहुत है, वैसे वैसे इतना इतना याद रख लो। हाँ ओथ 3 में है, तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या आंसर होगा भाई, लोकसभा के अध्यक्ष को की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, ये किसके द्वारा होती है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा होती है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है भाई, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ओम बिड़ला, कौन है, ओम बिड़ला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपका आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 93 है, कौन सा है, 93, और इनके लिए इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाने का काम करेगा प्रोटेम स्पीकर, कौन करेगा भाई, प्रोटेम स्पीकर काम करेगा, प्रोटेम स्पीकर काम करेगा। लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे भाई, पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम था जी वी मावलंकर, क्या नाम था, जी वी मावलंकर। वर्तमान में जो ओम बिड़ला है, इनका संबंध कहां से है, कोटा राजस्थान चंबल नदी के तट पे है, बताया था ना। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई, याद रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमारी, क्या नाम था भाई, मीरा कुमारी। तो प्रोटम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है लोकसभा के अध्यक्ष को, ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। अनुच्छेद कौन सा है, 93 है। सीजीआई आपका कौन है, एनवी रमना है, वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख, ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, इनको भी प्रेसिडेंट ही पॉइंट करता है। अभी करंट में ही बदले गए हैं भाई, करंट में ही चेंज किया गया इसके अंदर, हाँ मेमोरी फुल करने है। संविधान निर्माता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उनके दर्शन और मूल्य प्रलिखित होते हैं कहाँ पे, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट वैसे है कहाँ पे, भाग 3 में है, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। प्रस्तावना प्रियम्बल, तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, उद्देश्य प्रस्ताव, होरोस्कोप, होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंडली कहा था ना मुंशी जी ने इनको, तो संविधान की कुंडली है ये, के एम मुंशी ने कहा था। कर्तव्य 42वां संशोधन, राइट आंसर होगा भाई प्रस्तावना, 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए, 42वें संशोधन में जोड़े गए 1976 में, और ये आपका
याद रखना है किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे जोड़ा गया था। अब यहाँ पे होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए 13 दिसंबर का जो दिन था 1946, जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, संविधान सभा ने क्या पेश किया था, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या कहा गया, संविधान में इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही कहा गया प्रस्तावना। यानी हम ऑब्जेक्टिव क्या लेकर चल रहे हैं, प्रियम्बल के प्रति हम ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, वो इसके अंदर डिसाइड किया गया। प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा, ठाकुर पंडित रायजादा के द्वारा क्या कहा गया, ठाकुर पंडित, इतना याद रख लेना, दो वर्डों से ही हो जाएगा आपका, ठाकुर पंडित रायजादा के द्वारा क्या कहा गया भाई, संविधान की आत्मा कहा गया प्रियम्बल को। प्रियम्बल के अंदर 42वां संशोधन में तीन वर्ड जोड़े गए हैं, तीन वर्ड कौन से हैं, सेक्युलर है आपका, कौन सा है, सेक्युलर है, सेक्युलर के बाद कौन सा है, सोशलिस्ट है, कौन सा है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, और तीसरा कौन सा है, इंटीग्रिटी, कौन सा है, इंटीग्रिटी, अखंडता है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और अखंडता, ये तीन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। हाँ, ये प्रोटम स्पीकर सबसे पहले, हाँ प्रोटम स्पीकर सबसे पहले आएगा, स्पीकर से पहले, बाद में अध्यक्ष आने के बाद इनकी क्या कराएगा, इनकी अपॉइंटमेंट कराएगा। प्रस्तावना में ऐड किया गया 42वें संशोधन के द्वारा, केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना गया है, सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी 1976 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। संघ और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट यूएसए से है, समवर्ती सूची कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, इनके अंदर शामिल मामलों पर कौन कानून बनाता है, संघ पे तो आपको पता है केंद्र बनाता है, समवर्ती पे कौन बनाता है, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों बना सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की सिचुएशन में कौन जीत जाएगा, केंद्र, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा, लोकसभा दे रखा है। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है संविधान के, आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल 81 में है, क्या कहा जाता है इसको, लोअर हाउस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोअर हाउस, लोअर हाउस भी इसको बोला जाता है लोकसभा को। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, वर्तमान में इसके सदस्य 543 है, 543, दो एंग्लो इंडियन जो होते थे, दो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, इसको एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया भाई, खत्म कौन से संशोधन में, 104वां संशोधन करके 2020 में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन का सुपड़ा साफ कर दिया। तो टोटल कितनी सीट है, 543 है, 543 है, यूपी में सबसे ज्यादा है 80, कितनी सीटें यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। लोकसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे, प्रथम आम चुनाव पूछेगा तो 1952 कब हुए थे, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव यहां पे ऑर्गेनाइज कराए गए थे, ठीक है। 5 साल का लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कहां से अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन, कहां से अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया, कौन से आर्टिकल में है, 81 में, किस में है, 81, ठीक है। पद खत्म किया है, अरे वही एंग्लो इंडियन तो है, ठीक है, मतलब आगे के लिए पद खत्म कर दिया, ठीक है भाई। 543 निर्वाचित मेंबर है, टोटल 545 है, पद मतलब अभी आगे तो नहीं होंगे ना, और 2026 के अंदर तक 95वां संशोधन 2009 में क्या कहा गया, 84वां संशोधन 2001 के अनुसार जो चल रही है वही सीटें चलेंगी, इनके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। लोकसभा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर प्रशासन के अंदर आरक्षण देना तो कौन सा आयोग होगा, प्रीसीमन, कौन सा आयोग होगा भाई, प्रीसीमन आयोग होगा, और प्रीसीमन आयोग से हमेशा ध्यान रखना, प्रीसीमन आयोग के अनुसार 84 सीटें तो शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, 84 सीटें शेड्यूल कास्ट, 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब, 131 सीटें आपकी क्या कर दी गई है, आरक्षित, कौन से आयोग के तहत, प्रीसीमन आयोग, कौन सा आर्टिकल में, 82, कितनी बार, 4 बार, 1962, 1972, 1984, 2001, कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी, विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य की थी, गोलकुंडा आपकी हैदराबाद की थी, मदुरई आपकी किसकी थी, मदुरई बता दो, मदुरई आपकी पांडव की थी, बादामी कौन सी थी भाई, बादामी चालुक्य के, बादामी, बादामी चालुक्य, तीन प्रकार के चालुक्य होंगे, बादामी या वातापी, बादामी या वातापी, वेंगई, वेंगी, और तीसरे कौन से होंगे आपके चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के, तो बादामी इनकी राजधानी होगी। इस वंश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है, सबसे प्रमुख शासक है, वो कौन होगा,
इस वंश का सबसे प्रमुख शासक होगा पुलकेशिन सेकंड। कौन होगा भाई? पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रमुख शासक होगा जिसने हर्षवर्धन को हराया। किसको हराया भाई? हर्षवर्धन को हराया। और हर्षवर्धन को कहां पे हराया? हर्षवर्धन को इसने कौन सी नदी के तट पे डिफीट किया था? नर्मदा नदी के तट पे डिफीट किया था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसके बारे में जानकारी के स्रोत हमें ऐहोल अभिलेखों से मिलते हैं। कौन से अभिलेखों से? ऐहोल। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाए थे? रवि कीर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखवाए। इससे जानकारी किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी के तट पे कौन सा वंश था? चालुक्य, जिनकी राजधानी बादामी होती थी या वातापी। मदुरई त्योहारों की नगरी, वेंगई नदी के तट पे गोलकुंडा, कोहिनूर का हीरा निकाला गया, विजयनगर मेडिवल हिस्ट्री का सबसे विश्व का सबसे चमचमाता हुआ जिसको हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऐहोल रवि कीर्ति। हाँ, ऐहोल कर्नाटक, रवि कीर्ति। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का भाई थे भाई। किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? सती सिस्टम को इंडिया में प्रोहिबिट किया गया 1829। अच्छा, पहले साक्ष्य सती प्रथा के पहले साक्ष्य किससे मिलते हैं? एरोन अभिलेख। एरोन अभिलेख गुप्तकाल। एरोन अभिलेख जो आपका था भानुगुप्त ने लिखा था। किसने लिखा था? भानुगुप्त ने। 510 एडी कौन सा टाइम था? 510 एडी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? पहले साक्ष्य हैं भारत में किसके? सती प्रथा के। इस पर रोक किसने लगाई 1829 में? किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा प्रयास किया गया। बेंटिक कौन था भाई? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक था। इसी बेंटिक का संबंध किससे है? इसी बेंटिक का संबंध मद्रास के अंदर वेल्लोर विद्रोह, कौन से विद्रोह से? वेल्लोर विद्रोह हुआ था। कानों में बाली पहनने को लेकर मद्रास के अंदर वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 के अंदर। वेल्लोर विद्रोह, उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक था। जिस समय पे मैकाले भारत आया, मैकाले विधि अधिकारी बनकर आया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी ध्यान रखना, विलियम बेंटिक था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था भाई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक नहीं बना भाई, ये याद रखना, वारेन हेस्टिंग है। वेलेजली किसके लिए जाना जाता है? ये आपका सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के लिए जाना जाता है, सहायक संधि के लिए। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके लिए? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। और इसी के द्वारा 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से क्या कर दिया गया था? विधवा पुनर्विवाह को इसी के द्वारा क्या किया गया था? शुरू 1856, ये ध्यान रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, थे पोलर, जहां से थे पोलर एक प्लेस है, ऋग्वेदिक नदी सरस्वती वगैरह के 10 किलोमीटर दायरे में पड़ता है भाई। महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल, योद्धा गणराज्य, योद्धों की जानकारी मिलती है इससे, और योद्धा प्लस वासुदेव के बारे में जानकारी यहां से हासिल होती है। अवशेष मिले हैं आपका प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां पे स्थित है भाई? कैथल। कहां पे है कैथल? पुंडरी के पास है, कैथल क्षेत्र में स्थित है। कौन सा स्थान है? थे पोलर आपका कहां पे है? पुंडरी के क्षेत्र के पास है भाई। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना, कैथल में। पुनर्विवाह, अरे रांडो गाय एक बार हो जा थोड़ा है, पुनर्विवाह की ओर बाट देख रहा है। क्या कहते, कैथल तुम्हारा हो गया। किस पुस्तक में अग्रोह का जिक्र मिला गया? दिव्यदान में किसका जिक्र है? अग्रोह का। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलण की। कश्मीर का क्या दिया गया इसमें इतिहास? मालती माधव आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में काउंट होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। ये आपकी किसकी है? ये कालिदास की है भाई, ये है
कालिदास की, भारत का शेक्सपियर, ये किसकी अकलन है, राज तरंग नहीं भाई। और अग्रोहा का जिक्र, अग्रोहा महाराजा अगरसेन की नगरी, महाराजा अगरसेन की नगरी अग्रोहा का जिक्र कहाँ पे मिलता है, अगरसेन की नगरी हिसार के अंदर, इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है भाई, याद रखना इसका जिक्र मिलता है दिव्यदान में, किसमें, दिव्यदान में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई, हिसार शहर की स्थापना किसने की थी, जग जाहिर क्वेश्चन है, फिरोज शाह, कौन सा फिरोज शाह, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी। हिसार के अलावा 300 नगर बसाए गए थे फिरोजाबाद, क्या लिखोगे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक, अपने भाई जोना खा के नाम पे जौनपुर, हिसार, इन सभी शहरों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का काम किसने किया था, वो भी आंसर याद रख लेना, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में दासों की संख्या सबसे ज्यादा किसके पास थी, दास सबसे ज्यादा किसके पास थे, वो भी क्या आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है, वो भी क्या आंसर होगा भाई, फिरोज शाह तुगलक, क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर होने जा रहा है। तुगलक वंश से संबंधित थे, बहुत से मंदिरों को नष्ट कराया भाई इसने, औरंगजेब का छोटा भाई माना जाता है धार्मिक कट्टरता के मामले में, लेकिन सुधार बहुत सारे करवाए, इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है, ठीक है, ओके चलिए आगे। पूरव का सिराज जौनपुर, हाँ पूरव का सिराज जौनपुर है। हरियाणा वन विकास लिमिटेड की स्थापना दिसंबर 1989 में हुई थी, हरियाणा में सबसे कम वन है। भारत के गोवंश पशु में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है भारत के सभी के अंदर भाई, सभी पशुओं में द्विकाजी नस्ल का, दास ए बंदगान विभाग, दास ए बंदग्या, दास ए बंदगा विभाग, दीवाने कोई की स्थापना भी की थी, खैरात, दीवाने खैरात और दीवाने कोई की स्थापना भी की गई थी। मैक्सिमम कैनाल भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, अच्छा अपना अंबाला टोपरा भी लेखों को उठा लाया था, अशोक के अंबाला टोपरा भी लेखों को कहाँ पे ले गया था, फिरोज शाह तुगलक, कहाँ पे ले गया था भाई, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह कोटला में ले गया था। कांकरेज, कमेंट सेक्शन में बताना भाई कांकरेज, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, आज क्लास जल्दी खत्म करेंगे थोड़ा सा, मतलब और दिनों से नॉर्मली जो अपनी 10:30 के अराउंड तक चल जाती थी, थोड़ा सा पहले खत्म करके। ये डांगरा के सवाल, अरे हुड्डा साहब ये डांगरा के सवाल, एक बार हरियाणा पुलिस में आ गए थे, अरे सारा की आंख लाल हो गई थी एक बार, ये जो लाइव और लाइक है भाई न बराबर कर दो, और क्लास ने शेयर कर दिया करो, अपना अपना मान के क्लास ने शेयर भी कर दिया करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीवाने वही एमबीटी ने, हाँ एमबीटी ने की थी भाई, दीवाने खैरात का है, दीवाने मुसद खैराज, गरीबों में दान बांटना, और एक वो था भाई आपका डॉक्टर्स के लिए क्या बोलते हैं इसको भाई साहब, ये इस्लामिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है जिसमें ये इसको बोला जाता है, जो अपने हॉस्पिटल होते हैं इनको नाम दिया गया है, वो था आपके में नहीं आते, चलिए भाई ओके